गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो एंथ्रोपोलॉजी की के जो कोर्स है उसके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे एंड इसमें जो लेक्चर्स हैं दैट विल बी इन टॉपिक वाइज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1.1 से लेके 12 तक जो पेपर वन है एंड देन 1.1 से लेके इन पेपर टू में वन पॉइंट वन टू नाइन ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे में वी विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द दोज लेक्चर्स ऑन टॉपिक्स बट आपको उसको अप्रोच कैसे करना दैट विल बी द डिस्कसिंग डिस्कशन पॉइंट हेयर टूडे एंड uh, उसको आपको कैसे कंबाइन करके पढ़ना है कुछ टॉपिक्स को या फिर सेपरेट uh, तरीके से पढ़ना है बिकॉज इन और सिलेबस सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक विच आर प्लेस्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दे आर रिलेटेड लाइक आप देखेंगे इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो रिलेटेड हैं जैसे कि मैंने इसको डिवाइड uh, किया है आप जो लेक्चर्स रहेंगे हमारे दैट विल बी टॉपिक वाइज एंड ईच लेक्चर विल बी भीट फाइव आवर्स लॉन्ग बिकॉज Uh, आपका ज़्यादा जितना ज़्यादा छोटा रहेगा एक एक घंटे के आसपास का लेक्चर रहेगा तो उतनी ज़्यादा आपका कंसेंट्रेशन स्पान दैट विल हेल्प यू राइट और प्रिंटेड जो बुकलेट्स हैं दैट विल बी गिवन टू यू पार्ट वन में आई हैव इंक्लूडेड लाइक आई विल सजेस्ट कि आप इन टॉपिक्स को एक साथ पढ़ें जो बेसिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कवर करते हैं वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट थ्री तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज लोगों लोग इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं दे वोंट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ़ द एंथ्रोपोलॉजी एज लाइक एज ए डिसिप्लिन तो आप उसको एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए उसको क्या उसका एसेंस है क्या ऑब्जेक्टिव है क्या यूटिलिटीज हैं उसकी और कैसे इवॉल्व हुआ है उसको समझने के लिए यू नीड टू गो थ्रू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट देन पार्ट टू में आई हैव इंक्लूडेड दिस वन एवोल्यूशन बिकॉज बेसिकली वी आर द ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द वेरिएशन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम इवॉल्व कैसे हुए हैं वो चैप्टर्स रहेंगे ये वाले वन पॉइंट फोर वन में आपका जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड डार्विन की जो एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं एंड प्री डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज एज वेल इन 1.4 एंड 1.4 के सी जो पार्ट है उसमें हमारा है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और उसके बाद में जो मैंडलियन जेनेटिक्स है उसके बारे में कुछ कुछ डिटेल्स हैं वहाँ पे सो दीज आर कवर्ड इन पॉइंट फोर वन पॉइंट में ऑल द प्राइमेट्स

लाइक होमोरेक्टस है ऑसलोपेथिकस है एंड होमोहेबलिस है नियनर्थल मैन है हमारा तो दीज आर कवर्ड इन पॉइंट सिक्स एंड इसके साथ में आपको आर्कोलॉजी भी इसके साथ कंबाइन करके पढ़नी है जो हम पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ उनके जो एक मेटेरियल कल्चर है वो भी अगर आप उसको कंबाइन करके पढ़ोगे तो डेट विल हेल्प यू टू गेन ए कम्प्रिय अंडरस्टैंडिंग राइट सो इनको कम्बाइन करके पढ़ना है एंड पार्ट थ्री में यू नीड टू कवर अप दोशो कल्चरल एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक नंबर टू टू सेवन कवर करता है टू में आप देखोगे तो इसमें पांच सब टॉपिक्स हैं पहला है नेचर ऑफ सोसाइटी नेचर ऑफ कल्चर टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू देन मैरिज फैमिली एंड किनशिप दीज आर दी टॉपिक्स इन सब टॉपिक्स दू राइट और थ्री में आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आता है Four में आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आता है फाइव में आपका आता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन राइट और रिलीजियस एलिमेंट्स तो ये वाले जो टॉपिक हैं दीस कम्स अंडर सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूडिंग सेवन सेवन में क्या है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर कल्चरल एवोल्यूशन अब देखो मैंने इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों बताया आपको सबसे पहले ये कवर करना है देन पार्ट टू ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपको इसी क्रोनोलॉजिकल वे में सारी चीजें इसको स्टडी करनी है राइट right? क्यों करनी है बिकॉज आप देखोगे एवोल्यूशन में ये फिजिकल एवोल्यूशन हुआ है हमारा इस वन पॉइंट जो है वो हमारा फिजिकल एवोल्यूशन जो हुआ है उसको एक्सप्लेन करता है उसके बाद में हमारा कल्चरल एवोल्यूशन जो हुआ है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और फिजिकल एवोल्यूशन आप जो दोनों में से कोई सा टर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए फिर सोशो कल्चरल एवोल्यूशन जो हुआ है बिकॉज सोशो कल्चरल एवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन दे आर बहुत कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर सो उसको हम सोशो कल्चरल एवोल्यूशन को उसके बाद में पढ़ेंगे राइट और इसका जो डेवलपमेंट है टू थ्री फोर फाइव और सेवन में ठीक है दीज आर दॉपिक्स गिवन इन दिलेबस एंड पार्ट फोर में वी विल कवर द रिसर्च मैथड्स एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज अब मैंने एंथ्रो जो रिसर्च मैथड्स हैं उनको स्टार्टिंग में क्यों कवर किया है क्यों बोला है पढ़ने को बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिकल जो थ्योरीज दी गई थी उनको थ्योरीज को देने के पीछे देवर देर वर सम स्टडी मैथड्स दैट वर देयर दैट वर देयर एट द टाइम और उनको यूज करके स्टडी जो मैथड्स हैं है हमारे रिसर्च मैथड्स उनको यूज़ करके ही वो थ्योरीज दी गई थी राइट right? जो हमारे

पार्ट फाइव में यू विल हैव टू लाइक गो थ्रू दिस ह्यूमन जेनेटिक्स ह्यूमन जेनेटिक्स में आपको कवर करना है वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन इसमें चैप्टर में अपने सिलेबस में बहुत स्टार्टिंग में दे दिया गया है ह्यूमन जेनेटिक्स से बिल्कुल अलग से सेपरेट करके लेकिन उसमें जो वन पॉइंट सेवन है दैट इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ उसमें हमारे बेसिक्स अबाउट और सेल्स और डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में उसके बारे में बताया गया है एंड द द क्रोमोसोम्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स और जो सेल का जो डुप्लीकेशन होता है राइट right? आप देखोगे डॉटर सेल्स बनती हैं एक मदर सेल से तो वो सब चीज़ें जो है वन पॉइंट सेवन में दी गई हैं और इन सब का जो रेलेवेंस है वो सीधा के सीधा बिल्कुल नाइन नंबर जो टॉपिक है हमारे ह्यूमन जेनेटिक्स उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी मैंडलियन जेनेटिक्स है उसमें रेस रेसिज्म है रेस फॉर्मेशन की उसमें चीज़ें हैं राइट right? तो ये जो उटलाइनिंग सेवन नाइन एंड टेन आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि हम in, uh, से uh, एक एडल्ट में में कैसे डेवलप uh, होते हैं धीरे-धीरे राइट right? तो वो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब टॉपिक्स right? so आर साथ पढ़ना है Uh, और पेपर वन सिलेबस राइट इसमें आपको कवर करना है डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी जो चैप्टर नंबर एलेवन है एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी जो हमारा बारह नंबर का चैप्टर है राइट right? तो ये ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे में आप कवर करोगे तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड की व्हाट इज हैपनिंग देयर एक्चुअली इन दि सिलेबस एंड हाउ वी आर एवॉल्विंग क्योंकि आप पहले बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पढ़ोगे देन आप कल्चर एवोल्यूशन पढ़ोगे उसके बाद में थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में पढ़ोगे कल्चरल एवोल्यूशन के बारे में राइट right? एंड uh, फिर ह्यूमन जेनेटिक्स जो कम्पलीटली एक टेक्निकल सब्जेक्ट है बट वी हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पर राइट सो ये पेपर वन के बारे में है देन कमिंग टू पेपर टू पेपर टू में देर आर नाइन टॉपिक्स टू नाइन राइट और इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो है दैट इज इंडियन आर्कियोलॉजी एंड प्राइमेट फोसिल्स तो ये जो दिए गए एंड टू में

बिकॉज आप उसमें जब उनको साथ में पढ़ोगे एक साथ तो आप एक बेटर कोऑर्डिनेशन बैठा पाओगे उसके बीच में राइट right? क्रोनोलॉजिकली आप उसको अच्छे से समझ पाओगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में राइट देन बी दी फर्स्ट देन सेकेंड में आपको पढ़ना है इंडियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो वन में आता है और टू में आता है वन में बेसिकली आपका ट्राइबल्स की इथनिक प्रोफाइल आती है पढ़ना है इसमें मेजरली कास्ट सिस्टम के बारे में बात की गई है और सम्यू लाइक सम यूनिक टॉपिक्स एस वेल एस गिवेन देयर लाइक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स

सोशल डायनेमिक प्रोसेस इन दी फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन तो ये सब आपको 5.3 में देखने को मिलती है और उसको आपको कास्ट सिस्टम से उसका लिंकेजेस बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को मिलता है जो 3.1 में जो इंडियन सोशल सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम दिया गया है कि कास्ट सिस्टम का इवोल्यूशन क्या है उसका आप देखने को मिलेगा कि उसके वेरिएशंस क्या क्या हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड और हमारे हमारे देश में वो तो कैसे रिफॉर्म हो रहा है कैसे मॉडिफाई हो रहा है ओवर द इयर्स इंडिपेंडेंस के बाद से कैसे मॉडिफाई हुआ है कास्ट सिस्टम और पोलिटाइजेशन और कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और ऑफ द कास्ट ये दोनों टर्म्स कैसे आपस में एक दूसरे को री कर रही हैं सो दिस इज गिवन इन द टॉपिक नंबर थ्री बट जो फाइव में है वो बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि रूरल सेटअप में कैसे चीजें एक सोशल सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्नाइजेशन हमारा मॉडर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन वगैरह वगैरह सो उसको आपको क्लब करके पढ़ना है थ्री एंड फाइव को राइट आई विल नॉट डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक बिकॉज इट विल बिकम देन राइट एंड को क्लब करना है देन जो चैप्टर नंबर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये हमारा फोर में आता है तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आपने देखा है कि जो थ्योरिटिकल डेवलपमेंट की जो टॉपिक है हमारा पेपर वन में चैप्टर नंबर सिक्स जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दी गई हैं वैसे के वैसे ही हमारा

एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है हमारे इंडियन uh, सोसाइटी को समझने में और डायनामिक्स को समझने में सो गिवन इन चैप्टर नंबर फोर और आप इसको पढ़ सकते हैं देन कम लास्ट पार्ट इन पेपर टू दैट इज एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू में देर आर टू मेजर पार्टन द इंडियन सोशल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द इंडियन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी राइट ट्राइबल सिस्टम जो ट्राइबल डायनामिक्स होती है बट आई है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी इज द लास्ट वन और इसमें जो फाइव के बाद के सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर कम्प्लीटली अबाउट द देयर प्रॉब्लम्स और उन पर जो मॉडर्नाइजेशन का इम्पेक्ट है वो क्या रहा है एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट रहा है कैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं अपने आप में राइट right? और कैसे वो अपने आप को अपने कल्चरल जो डायनेमिक्स है उनको मॉडिफाई कर रहे हैं टू टू वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स लाइक मॉडर्नाइजेशन और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी कैसे वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं कौन कौन सी डेवलपमेंटल प्रोसेस हुई हैं हमारे देश में जिन्होंने उनको नेगेटिवली या पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है हमारे जो इंडिजिनस uh, कम्युनिटीज़ हैं उनको राइट कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशन क्या है उनकी कॉन्टेम्प्री प्रॉब्लम्स क्या हैं उनकी उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं दीज आर गिवन इन दीज टॉपिक्स राइट कुछ इश्यूज़ हैं इतने एथनिक इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके उनको कैसे एड्रेस किया गया है पहले और क्या अभी उनका क्या स्टेटस है और आगे कैसे किया जा सकता है उनको सॉल्व राइट सो दीज आर गिवन इन दीज सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो ये आपको क्लब करके पढ़ना है पूरा And, uh, ये जो मैंने बताए हैं उसी हिसाब uh, से आपको यू नीड टू कम्बाइन रिलेटेड तो आपको ज्यादा एक कम्प्रसिव वे में आपको चीजें समझ में आने लगेंगी राइट पेपर अबाउट पेपर टू राइट पी वाई क्यू एनालिस हम लोग uh, करेंगे तीन से पांच साल के पेपर्स उठा के क्योंकि पिछले चार पाँच साल में जो तो पेपर का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है दैट इज आल्सो चेंजिंग बाय द कमीशन एंड थोड़े क्वेश्चन का जो नेचर है दैट हैज़ बिकम मोर डायनेमिक एंड मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड एज वेल तो उसको हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको एक कंपनी ओवरव्यू पता लगे कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है एग्जाम को और किस तरीके से हमें इन जो मटेरियल है उसको पढ़ना है कोई भी बुकलेट है कोई भी किताब है और किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज तैयार करने हैं वो आपको इस एनालिसिस से समझ में आएगा दैट वी विल बी discussing डिस्ंग एंड सोल्व पी वाई क्यूज ही प्रोवाइडेड टू यू एज वेल for the reference purpose, right? and value addition जो रहेगा that will be the consistent और ये कॉन्स्टेंट सपोर्ट के रूप में दिया जाएगा लाइक like, uh, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में एक बार uh, कुछ बता दिया गया एंड लाइक like, हम हमारी ड्यूटी खत्म हो गई वहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट आपको कंटिन्यूअसली बेसिस पे यू विल गाइडेड टू अबाउट इट एंड यू provided सम contemporary अफेयर्स some other value additions in the form of case studies and uh, uh, examples etc etc across the world as well as uh, from the India right. So, case studies examples relevant to the topics and easy to replicate in the exam will be given to you and uh, this thing I have included in the lectures will be including in the lectures as well like topics explain that will be with the help of the case studies good case studies topic. वो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उसके लिए राइट तो केस स्टडीज के थ्रू हम टॉपिक्स को समझने का ट्राई करेंगे देन बुकलेट्स एंड लेक्चर्स लॉट ऑफ डायग्राम्स फ्लो चार्ट एंड एवरी थिंग इज गिवन देयर दैट विल मेक यू द लर्निंग स्मूथ एंड वेरी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एज राइट तो दीज आर थिंग्स दैट विल बी इन कोर्स अब बात आती है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मुझे आपसे तो जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस कोर्स में फ्रॉम दी एस्परेंट पार्ट फ्रॉम दी स्टूडेंट्स पार्ट वो क्या रहने वाली है यू नीड टू वॉच दीज लेक्चर्स वेरी थॉरोली एंड एंड ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एस एडवाइस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनको कैसे कंबाइन करके उनको पढ़ना है क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू गेन एसेंस ऑफ द टॉपिक्स राइट और जो मेटेरियल है दैट विल बी गिवन टू यू दैट शुड बी रीड विद हेल्प ऑफ द लेक्चर्स आपको लेक्चर्स खत्म करने उसके बाद में उसको सीधा सीधा पढ़ना है फोकस जो मेजर इम्पोर्टेंट एरिया है इट शुड नॉट बी ऑन दिस की आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको रट लिया उसको मग दैट शुड नॉट बी द बिकॉज टाइप्स ऑफ दैट आर कमिंग इन द एग्जाम यू नीड ए होल लाइक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स आपको बहुत डीप में जाने का उसको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको अगर आपको जो डायनेमिक क्वेश्चन है उनको आंसर करना है देन यू नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ऑलवेज फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट हमेशा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने इन द फर्स्ट स्टार्ट जैसे आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन आप कोई चीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स यू शुड फोकस ओनली एंड ओनली ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अंडरस्टैंडिंग द एसेंस की इस टॉपिक में क्या है लेट सपोज कि आपको इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में सब्सटेंस सबिस्ट एंड फॉर्मलिस्ट की डिबेट है वो पढ़ना है तो उसमें क्या उसका एसेंस है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है किसने क्या व्यू दिए हैं फिर उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है तो ये सब आपको पूरा उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा राइट अवॉइड मगिंग ऑफ दी थिंग्स अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही देन आस्क मी और आस्क लाइक हु गाइडिंग यू उसको पूछना है कि ये चीज क्या है उसको मग अप नहीं करना है राइट एंड डाउट्स आस्किंग रेगुलरली टू मेक द लर्निंग स्मूथ एंड एफिशियंट क्योंकि आप अगर डाउट्स नहीं क्लियर करोगे तो आप उनको फिर रखना स्टार्ट करोगे आप उनको मग अप करना स्टार्ट करोगे सो दैट विल नॉट हेल्प यू राइट तो प्लीज एंड प्लीज मेक दिस हैबिट की आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछ लो किसी से भी आपसे कोई नियर एंड डयर वन है कोई कोई भी गाइड कर रहा है मी इज वेल आई विल भी अवेलेबल इज वेल तो किसी से भी आप उसको पूछ सकते हैं राइट right? and thank you very much this is the overview of the course and uh, i think it would help you to gain the essence of this course key what is it about and uh, what are the expectations from your side and what i will be delivering to you thank you very much jai